नजर आवाज टीवी के प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवां के भलीकार नजर अज का पाकिस्तान में सियासत में हुकूमती मामलों में डेवलपमेंट पेश आई है वो वही वही डेवलपमेंट यहाँ है तो हुकूमत गडियल मुफादन वाले काउंसिल जी सी सी आई जैसे चाहबो उन जोड़जो कर छी है तमाम जरूरी होंगी आइन में जो कनकरेंट लिस्ट हैं वे खाता जो फेडरेशन सूबाई हुकूमतों गडियल कर हलो फोरम ठहल है जैसे अस गडियल मुफादन वाली काउंसिल चवंदा उन्हीं जोड़जक कई वही है उन्हीं जोड़जक में कुछ दिलचस्प शूं सामू आयु आन उन डिपेंड करे तो हाँ वो अगत कि हल इन मामले से अस गाइंदी अस मुफाद में है इन जोड़जक में पंजो नंढा सूबा खास तौर से सिंध बलोचिस्तान में केतो फायद के पी में उतो ये सब शून पंजाब उनमें हैविली लोडेड थी वही है पंजाब की रिप्रेजेंटेशन ये सब शूँ छा पाकिस्तान फेडरेशन है फेडरेशन में घट में घट सी सी आई जो फोरम है वो बराबरी की बुनियादन से अड़ी रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद हलो वो जी गडियल फैसला थी सन इन दफे जो जोड़जक में कुछ सवाल सामू आया उन पा गाल बोल कंदी उन गाल बोल कंदी मुल्की मैशत के हवाले से कुछ फैसला थन पाया आई एम एफ के अस फुल फ्लैज एक प्रोग्राम में वनू पाया महीने 24-15 अप्रैल से वो वो प्रोग्राम है समझा तो पाकिस्तान की वे तारीखी तौर से वन प्रोग्राम में शामिल है जैमें 6-8 अरब डॉलर की फंडिंग असेंगे थेनी है 3 साल के लिए शर्तू सख्तियों ये सब कुछ इनते गाल बोल थी उगाड़न से गाल बोल भी थी जाहिर उगाड़न जो मसलो भी हले पो अज फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस औरंगजेब साहब इन कुछ मीडिया से गाल बोल कई है उनते पा अज गाली उन अलावा जो असो रेगुलर फीचर है हाँ उत्तर सिंध के जिले में ऑपरेशन या नो ऑपरेशन या जो भी थे पे उते पर बहरहाल इन सिलसिले में अमन अमान की सूरत हाल तमाम खराब है उत्ते ही डेवलपमेंट थन पी उन अस रोजानो प्रोग्राम्स में तक अपडेट रखा अज इन भी असाईंदी तो सब का पहले हूँ तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद में असेंगे जॉइन किया है तजीनगार लेखक हैं नसीर मेमण साहब नसीर साहब वाली मेहरबानी तक जॉइन कर नसीर साहब सी सी आई की नेठ जोड़जक थी हुई है जो सभी को मुतालबो रो असो सी तो अहम फैसला सी सी आई में खड़ी वनों तुम फैसला कर तो जी फेडरेशन इन मुल्क की मजबूत थे सब बराबर की बुनियाद से अस इन मुल्क में रही सकूँ सो ये जोड़जक जो थी है तुम इनके कि ऐसो मेहरबानी मोहसिन असा सब चाहिंदा तो सी सी आई जेका वफाक के नुमाइंदगी नुमाइंदा इदारे की शक्ल है उनकी जोड़जक में वह ठहे फैसला जो सूबन जहाँ वफाक के विच में जिन भी मामलों से के इख्तलाफ राय आन तो उनके बारे में फैसला आने फोरम था थियन पर अस तो चाहिंदा तो फेडरेशन आ तो उनमें सब फेडरेशन माना था फेडरेशन माना सूबा वफाक हुकूमत पर जर अठनवा 4 मेंबर एक सूबे जन तो समझी वो जो सी सी आई जो वफाकी स्प्रिट आ तो ये वफाकियत जो नुमाइंदा इदारो रूत इत ही चिभाट की जैसे तुम एक सूबे में 4 मेंबर विहारे छा तो समझी वन घुर्जे तो फैसलन जहाँ नतीजा छा फैसला कड़ा सो एक तो ये जो एम्बुलेंस आ प्रावंशल वो वफाकियत के पूरे स्प्रिट के उबतड़ अलाय चो अस नवाज लीग एतरा साल थिया धिका खादन एतर हालतू थ वोट की इज्जत घुरा रहा सब कुछ कंदा रहा वन गाल मुखालिफ दौर में हूं पर पंजाबियत के सोच का बहर निकली वरी नसीर साहब घड़े वक्त का चवान पे तो नून लीग जो पंजाब की बेहतरीन कांग्रेस पार्टी है शुरू का रही है पंजाबी कांग्रेस की अलामत असते भी एतराज को पर तरक्की पसंद कॉम्परसी होंगी तो समूर मजलूम धुरन के हकन की भी गाल उन्होंने भी तवजो से कद हल्दा तो जो मुल्क भी तो हल न आखिर अड़ी कॉम्परसी जो मुल्क के बारे में मुल्क के लिए सूबन के विच में जो अगे ही छिकताण आड़ी हालतू तुम सूबन वफाक के विच में खराब रही अरड़ी तरमीम के थ्रू उनके बैलेंस करने की कोशिश की हुई हाँ उन्हें बैलेंस कर इदार की भी शिकल अड़ी कर छो तो आखिर मांग के तो कड़ो था नसीर साहब ये जो 9 मां 4 मेंबर आन पंजाब जहा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर त थियण तीन पर चवन था तो नून लीग के कुछ दोस्तों से मुँह ओ चवंदा सही भला सिंध में फेडरल मिनिस्टर आए को कें खड़ो ऐसो फेडरल मिनिस्टर न हों तो सिंध में वजीर आजम के एडवाइजर तरक्की कर सके जलो पीपुल्स पार्टी सीटू न वर्क नवाज लीग तो चैनी सूबन की पार्टी है ना उन्होंने सिंध जहाँ मेंबर को एम पी एम एन एस में सिंध जहाँ एम एन एस को
जेके हुन जी सीटुनि ते हुन जे मखसूस सीटुनि ते खणी आया हुजनि केतिरा ई माण्हू आहिनि, या तव्हांखे एडवाइज़र रखण लाइ त चूंडियल हुजणु ज़रूरी कोन्हे, तव्हां उतां माण्हू खणी अचो, रिप्रेजेंटेशन वधाए। हलो ॿी ॻाल्हि इहा त भला सिंध सां तव्हांखे मसइलो आहे, सिंध जी नुमाइंदगी कोन्हे, छा ॿियनि सूबनि जा बि कोन हुआ? सो ही जेका स्ट्रक्चर आहे, ऐं अच्छा हलो ॿी ॻाल्हि ते था अचो, सूबनि जी ॻाल्हि थी हिकिड़े पासे, मूंखे ॿुधायो त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बुनियादी मसलो, बुनियादी मामिलो त सूबनि ऐं वफ़ाक जे विच में जेके मामला थियनि था उनखे सिधो करे हलाइणु, उन परदेही वज़ीर जो कहिड़ो मामिलो थियो? उहो त ॾेही मामलनि सां हुनजो तालुक न आहे, हुनजे पोर्टफोलियो, उहो भली पोर्टफोलियो न हुजे, ज़ाती तौर डार साहब पाकिस्तान जो माण्हू आहे, हुनजा सभु मामला हिते जा मामला, पर जॾहिं तव्हां परदेही मामलनि खे जो पोर्टफोलियो ॾिनो आहे त हुनजो मतिलबु आहे त उहे परदेह सां लाॻापियल मामला ॾिसंदा, हितां जो बि त माण्हू रखी। सर इसाक डार साहब वरी समधी बि त आहे न नवाज शरीफ साहब जो, त पोइ उनखे छा कयूं? उनखे ज़ाहिर आहे सो बेसिकली इहे जेके रवैया आहिनि त पंहिंजनि माण्हुनि खे जेकर नाणे वारो वज़ीर न करे सघियासीं कंहिं सबबु जे करे, त ॿियनि अहम चाहिनि त उनखे विहारणो आहे। हलो बचाव वारे वज़ीर जो डायरेक्ट कहिड़ो तलुक आहे, इहा बि ॻाल्हि मूंखे सम्झ में न आई। ही के दिफ़ाई मामला त कोन रिज़ॉल्व कंदी आहे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, हिन जो त डोमेन डिफरेंट आहे। त छा ही उहा जेको हिकिड़ा नवां इदारा क्रिएट थिया आहिनि जंहिंमें उनजी वज़ारत जो तालुक ठहे थो, उहे इदारा अहिड़ा अहिड़ी तरह ऑपरेट कनि पिया जंहिंजे साम्हूं हाणे काबीना ऐं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बेमानी थी विया, त छा उन्हनि खे हिते सिधी तरह नुमाइंदगी ॾियणी आहे? उहा ॾियणी आहे त पाण खे ॿुधाए छॾे। उनखां पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसूं था त आख़िर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जी पंहिंजी जेका डोमेन आहे उनजी जेका लताड़ पई थी थिए। मिसाल छा नवाज़ अली खे ख़बर न आहे त इहो ऑर्डिनेंस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जी वायोलेशन में ठहियो आहे, जेको इरसाए जी तरमीम जो आहे, जे ही एतिरा वफ़ाकियत जा हामी आहिनि, ख़ुदि पीपल्स पार्टी खां हाणे इहो सुवालु आहे त हुननि खे इन जे इहो ऑर्डिनेंस ख़तमु छो थो थिए? तव्हां चेयरमैन जी मुक़ररी त रोकी, पर तव्हां पार्लियामेंट में हाणे इहो ऑर्डिनेंस ख़तमु छो था कयो? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आहे त कंहिं बि वक़्तु हिन ऑर्डिनेंस खे विदा करे सघे, त कयो न। जंहिं शइ खे तव्हां गैराइनी चओ था उहा शइ तलवार टंगी पई आहे तव्हांजी, माना इन मां माण्हू छा मैसेज वठनि? ही त थियो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो मामिलो सी सी आई में, पर उन सां गॾो गॾु ॿी बि शइ त पीपल्स पार्टी वटि त ॿ सी एम ॿ मेंबर उते हूंदा, उनखे अलावा पॉसिबिलिटी त इहा बि आहे त के पी जो जेको सी एम आहे उहो बि किन मामलनि ते हिन सां एग्री करे वञे, ऐं तंहिंजे करे तव्हांजी जेका वॉइस आहे उहा टिनि सौभनि जी काफ़ी स्ट्रांग थी वेंदी, जेकॾहिं सी सी आई जे मामलनि खे पॉलिटिकली ॾिठो वञे। पोइ तॾहिं जॾहिं तव्हांजी पीपल्स पार्टी जा जेके वज़ीर आला आहिनि उहे किन मामलनि ते पोज़ीशन वठण लाइ तयारु हुजनि, उहो तॾहिं थी सघंदो। उहा स्ट्रांग उहा लॉबिंग वारो पीपल्स पार्टी कंहिं शइ ते छा नवाज़ लीग जे फैसलनि जे साम्हूं बीहण लाइ तयारु हूंदी, इहो पहिरियों क्वेश्चन मार्क आहे। मां तव्हांखे मिसाल तौरु चवां थो, तव्हांजे साम्हूं ऑर्डिनेंस हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे न, जेको सिधो सौं डायरेक्ट हथ में आहे, उनखे नथा पिया ख़तमु कनि, वजह कहिड़ी बि हूंदी, पर हिकिड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल शइ आहे। ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उन ते जेकर उनजे डोमेन में लताड़ करे हिकिड़ी शइ ठही आहे त उहा ख़तमु नथी पई थिए न, माना का त सघ एतिरी आहे न जेका हिननि खां वधीक सघ थी रखे। ॿियो सुवाल इहो आहे त तव्हां जे आइन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आहे काबीना आहे, इहे आहिनि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जी निगाहबानी कंदड़ इदारा। उनजी जाते तव्हां हिकिड़ा ॿिया इदारा एॾा वॾा ठाहियो था जिन जे एजेंडाऊं एॾियूं तवील आहिनि, जेके काबीना सी सी आई सभिनी खां मथां आहिनि, त पोइ मूंखे ॿुधायो वञे अरिड़हीं तरमी महीने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या काबीना जेके तव्हां इलेक्टेड माण्हुनि जी नुमाइंदगी जा फॉर्म चए थो चओ था, उहे त पैमाना थी विया, ॿ सौ ॾेढ सौ ॿ सौ एजेंडा आइटम रखी, हरनि मामलनि ते जेकर फैसले साज़ी ॿियनि इदारनि में थियणी आहे, जिते हलो वज़ीर आला बि वेहनि था, ॿिया चीफ सेक्रेटरी बि वेहंदा हूंदा, ॿिया बि वेहंदा हूंदा, त पोइ या तव्हां उनखे कॉन्स्टिट्यूशन शिकिल ॾेई ऐं काबीना ई ख़तमु करे छॾियो। एटलीस्ट को हिकिड़ी डायरेक्शन ॾियो न, अहिड़ो कंफ्यूज क़िस्म जो सिस्टम छो था हलायो जंहिंमें पैरेलल इदारा हलनि, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हुजे, उनजा फैसला वरी काबीना में थिया जेके निगरान हुकूमत में हुजे, ऐं काबीना ऐं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ॿिन्ही जे सब्जेक्टनि ते वरी पिया तव्हां टिया इदारा क्रिएट करे फैसला उते था खणी वञो, त ही अहिड़ो कंफ्यूज़ स्ट्रक्चर हलाइण सां पाकिस्तान खे कॾहिं हरास नसीर साहब, कंफ्यूज़ असांजे लाइ आहे न, उन्हनि जे लाइ त वरी क्लियर आहे त कीअं हिननि खे ऑपरेट करिणो आहे। इहो हुननि खे सोचणु घुरिजे त जेकॾहिं हिननि खे ईअं ऑपरेट करिणो आहे त पोइ इहो तय कनि, पोइ ईअं ई इदारा हलाइनि, पोइ जेको काबीना ऐं सी सी आई आहे उनखे छॾे ॾियनि, इहो बि करे सघनि था। पर उहो केर बि इन मामले ते केर बि सुप्रीम कोर्ट में वञण लाइ तयारु न आहे साईं।
नसीर साहब इन मामले यो तो अलग ही मामलो है सुप्रीम कोर्ट में वजन था ना था वजन पर इश्यू यो है हाँ रुको एक आखिरी मुझे सवाल है थोड़ा डिस्कशन कर वो सिंध इन स्ट्रक्चर में पैंजा मुतालबा पैंजो जायज शिकायतों मनायण की पोजिशन में आए या असेंगे नजर अचे पो तो पंजाब के मुफाद जहाँ फैसला जो सदा ही इन मुल्क में थन्दा उन्न सीसीआई के थ्रू रेटिफाई कराइंदा उत मुख्य ग्रेटर थल कैनाल चोलिस्तान वाली रिथा भी नजर अचे पी इन इन एजेंडा आइटम से तो मकसद है तो पंजाब उत खी सीसीआई में उन्होंने ठपो हणाइंदा स्टैम्प हणाइंदा यो बिल्कुल थींदो तव्हां ज़हन में रखिजो मूंखे हिन में हिकु सैकड़ो बि शक कोन्हे त जेको असां आख़िरी मुतालबो कंदा आहियूं त हीउ मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जा आहिनि तंहिंजे करे काउंसिल जे हवाले थियणु घुरिजनि ऐं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हाणे डायरेक्ट अहिड़ी तरह कब्ज़ो पंहिंजो करे छॾियो आहे जो इहे सभु फ़ैसिला इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐं फेडरेशन ई इन फोरम तां कराईंदा ऐं शायदि शायदि पीपल्स पार्टी बि कुझु फ़ैसलनि ते साम्हूं इन्हनि धुरियुनि जे हाणे न बीह सघे तंहिं करे सिंध जे मफ़ादनि जी नज़रदारी ऐं सिंध जा मफ़ाद माना पाकिस्तान जा मफ़ाद असां थोरी था चऊं सिंध जा मफ़ाद को ॿिए मुल्क जा मफ़ाद आहिनि आख़िर ही सूबो आहे न हिन मुल्क जो तव्हांखे फेडरेशन हलाइणी आहे फेडरेशन बराबरी ऐं ईमानदारी ऐं शफ़ाफ़ जे उसूलनि ते हलंदियूं आहिनि दुनिया में जंहिंमें सभिनी जेके वहदतूं आहिनि तव्हांजे मुल्क जे अंदरि उन्हनि खे उन्हनि जे जाइज़ हक़नि जो तहफ़ुज़ हुजे हीअ इदारा इन लाइ ठहिया हुआ हीअ इदारा नंढनि सूबनि खे वोट आउट करण लाइ न ठहिया हुया सो मुझे यो ख्याल है तो पीपल्स पार्टी के लिए वही जिम्मेवारी हाँ अचे थी उनके सिंध के मानन वोट दिनो उनके सिंध के मानन एतराज भली केडा वजन पर मानन तो वोट दिनो आ ना मेजॉरिटी एकड़ी को कुछ सीटों दे नसीर साहब गाल ठीक है को ठीक ठाक में एतराज हुंदा सही नसीर ताजे करे उनन के हाने इन वोट जे लाए हु जिम्मेवार आ तो पंजे कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजे सूबे उन पंजे वोटरन जे जेके जायज कॉन्स्टिट्यूशनल हक आ मावा गाल न थो करे तो उन दी नाजायज छै मन उन्हें जो तहफुज करने के लिए किरदार अदा करो पव सीसीआई से भी करो पव फोरम्स से भी करो पव जो नवा फोरम क्रिएट थन था उत करो पव यह हाँ उनकी जिम्मेवारी है ठीक सही वही मेहरबानी नसीर मेमण साहब नजर नसीर मेमण साहब मौजूद हुआ उन्होंने तो ही हाँ पीपल्स पार्टी के मथा वो बार है वो वजन अची वो ज़ाहिर उतने सी एम सिंध मुराद अली शाह साहब अकेले सिर छा जंग विड़ी सकता असा यो बिल्कुल इनमें कोई शक ना है तो मुराद अली शाह साहब सिंधु केस पेश न कदा बिल्कुल कदा जे डॉक्यूमेंट्स सामू आया जो एजेंडा आइटम्स सामू अचन पाया उन हिसाब से बिल्कुल यकीन से चई सकते तो सिंध पैं केस उत मुराद अली शाह साहब के थ्रू चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब के थ्रू सीसीआई ए एस आई एफ सी के फोरम से बिल्कुल पेश कदा जो जायज़ जो केस है जो कानूनी है आइनी तौर पर मुकम्मल है पर उन्हें केतरी कामयाबी मिली मानू उत मू यो मुकम्मल केस सिंधो विड़ी सके तो सही बार सजो मुराद अली शाह के वजन दुरुस्त है सिंध सिविल सोसाइटी किथे है सिंध जी बाकी मुखालिफ धुर पार्टियों किथे हैं मीडिया पंजो कम करे पई तवां ते बुधाए पई शयूं तो छा थे पियो बाकी सोशल मीडिया किथे आहे सब गायब आहिनि हाणे इन ते वधीक तव्हां गौर वीचार करे सघो था वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ मुल्क जी मईशत जे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं नाज़रीन वेलकम बैक हाँ अस गाल कहीं मुल्क की मईशत मुख्य जॉइन कर इस्लामाबाद में सीनियर जर्नलिस्ट जी इन ब्यूरो चीफ हैं सनाउल्ला साहब सनाउल्ला खान सनाउल्ला बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्ला साहब ये औरंगजेब साहब नए फेडरल मिनिस्टर आ गए हैं अब उन्होंने ब्रीफिंग्स भी ले ली हैं सारी अब वो फ्रंट फुट पर थोड़ा सा आकर खेलना शुरू हो गए हैं और अपनी पॉलिसीज़ का भी उन्होंने इजहार करना शुरू किया है क्या करने जा रहे हैं उसका भी बताना शुरू कर दिया तो सबसे पहले तो हमें ज़रा आपका आपके ऑब्जर्वेशन चाहिए कि किस तरफ सही डायरेक्शन में निकल पड़े हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर देखिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास ना डायरेक्शन तो कहीं और से सेट हो रही है और उसी डायरेक्शन पे चला जा रहा है जिस तरह जो निगरान हुकूमत चली थी वही डायरेक्शन है इस वक्त उसमें कोई तब्दीली नहीं है और जो IMF का प्रोग्राम है जो इस वक्त करंट जारी है वो खत्म हो जाएगा जो आखिरी रिव्यू जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा और 1.1 बिलियन डॉलर रिलीज हो जाएंगे तो नए प्रोग्राम पर भी अब औरंगजेब साहब ने बता दिया है कि वो क्योंकि स्प्रिंग्स मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं वाशिंगटन और न्यूयॉर्क तो वहां पर उनकी बाकायदा IMF से रिक्वेस्ट करेंगे नए प्रोग्राम के लिए जो फिर जून से इम्कान है कि शुरू होगा तो टफ सिचुएशन है और वो जारी रहेगी आइंदा 2-3 सालों के दौरान भी ये दबे लफ्जों में इन्होंने बता दिया है कौम को भी बता दिया है और आगे जो मामलात कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने भी बता दिया कि आइंदा 3 साल किसी किस्म का कोई रूम नहीं है
आवाम को रिलीफ फराम करने के हवाले से। तो सनौला बात सारी है कि वो तो खून तो सारा निचोड़ लिया है, मकसद खून बेचारा पीछे बचा भी नहीं है कि कोई इनको मिल जाए, तो अब क्या निचोड़ेंगे? देखिए अभी जो चीजें आ रही है ना सामने, वो अब जो तोप का रुख है ना वो सुबह की तरफ जाएगा। सुबह पे तमाम जो एक्सपेंडिचर है, वो जो एक बात चल रही थी ना कि एनएफसी जो है वो उसको रिवाइज किया जाएगा, तो वो तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि उसमें तो बड़ा मुश्किल है। जो एक दफा एक शेयर तय हो जाता है उसको आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। तो अब किया ये जा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना, जिस तरह पीएसडीपी है, पीएसडीपी फेडरल अब खर्च नहीं करेगा। जो नई बातचीत चल रही है उसमें ये है कि फेडरल पीएसडीपी आप समझ लें 100-200 अरब हो सकता है, कि उसमें कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट हो एमरजेंसी के वो हो सकते हैं, लेकिन अब वो पीएसडीपी नहीं होगा और प्राइवेट सेक्टर की इंस्टॉलमेंट वो होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके साथ सूबे सारा पीएसडीपी का अपना खर्चा खुद करेंगे। इसके अलावा जो बीआईएसपी है उसमें सूबों को आप देना पड़ेगा, जो जो जिस सूबे में जितने वो हैं, जिन जिन लोगों को उनके जितने लोग हैं उनके हिसाब से पेमेंट जो है वो सूबों को खुद करनी पड़ेगी, जो नया अब जो फार्मूला बनेगा आईएमएफ के साथ मिलकर। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे और जो सर्विसेज के हवाले से टैक्सेज हैं उन पे भी नए इनिशिएटिव आएंगे। तो ये चीजें रह गई थी, अब इस तरफ आएंगे और मजीद जो सैलरी क्लास है उस पर टैक्स बढ़ेगा नए प्रोग्राम के बाद और नए बजट में बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ जो एग्जेम्पशन रह गई थी वो विड्रा होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल पर और डीजल पर, क्योंकि जीएसटी नहीं है सिर्फ पीडीएल है, तो जीएसटी भी मरहला वार लगाना पड़ेगा और वो नए प्रोग्राम के बाद ही शुरू होगा। तो बहुत सारी चीजें अभी तो बढ़ाएंगे, लेकिन सनाला ये जो जी ये पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और बिजली तो खैर हो ही रही है, वो नेपरा तो खैर एक अपना पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले करता है कि जो आती है वो आगे पास ऑन कर देते हैं। तो मैंने सिर्फ नेपरा नहीं, ओगरा भी जी ओगरा का भी यही काम है, यही काम है। फिर इसमें इतने इदारे चलाने की जरूरत क्या है, इनको बंद कर दें, एक नोटिफिकेशन आ जाए करे मिनिस्ट्री की तरफ से, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, बस इसमें जरूरत क्या है? ओगरा तो करते क्या है लोग, मुझे ओगरा और नेपरा वाले बैठ के करते क्या है? बदकिस्मत ये है कि हमारे जितने भी रेगुलेटरी इदारे हैं ना उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो तो कभी भी रहे नहीं आजाद। आपको पता है कि वो उनको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, चाहे वो ओगरा है, नेपरा है या कोई और इदारे हैं। अब गैस की प्राइसेस देखें ना आप, आपको बिजली का लोगों को नजर आ रहा है जो गैस के साथ किया गया है, तो गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि निगरान सेटअप में 1100% वो तो बता रहे हैं, जो बीआईएसपी बताता है 1100% प्राइस इंक्रीज किया, और जिनका बिल 1500 रुपये सर्दियों में आता था उनका 40,000-50,000 गैस के बिल आ रहे हैं, और मजीद 147% मजीद जो इंक्रीज का है वो रिकमेंड किया हुआ है। तो उसके बाद तो बल्कि मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने इस्लामाबाद में और यहाँ देखा है कई लोगों ने गैस के कनेक्शन कटवा दिए, खासकर जो कमर्शियल कनेक्शन है ना होटल्स के, ये हैं क्योंकि उनके 4-4, 5-5 लाख बिल आने लगे थे, तो वो लकड़ी पे और सिलेंडर पे चले गए हैं। इसी तरह बिजली का जो रेट बढ़ा है उसके बाद हुआ ये है कि अब लोग सोलर पे जा रहे हैं या मुतबादल चीजों पे जा रहे हैं, तो आइंदा इनके लिए बिजली भी इनके पास इनको बेचना इनको मुश्किल हो जाएगी, खरीदार नहीं होंगे और आपके पास सरप्लस बिजली होगी। ये तो सनाला हो गई घरों की बात डोमेस्टिक और कमर्शियल की, इंडस्ट्रियल जो हमारा कंज्यूमर है वो कैसे है? वो तो फिर एक्सपोर्टर खासतौर पर जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो एक्सपोर्ट करता है वो कम्पीट कैसे करेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं कहाँ चली जाएगी। नहीं तो कम्पीट नहीं कर रहा ना, आपको आप देखें पिछले 15-16 साल से हम तो उसी उसमें खड़े हुए हैं, 20-25 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट होती है और उसमें भी खाने पीने की चीजें भी हैं, कुछ और चीजें हैं, और खासकर अब तो सर्विसेज भी आ गई है। तो वो बदकिस्मत ही है कि दुनिया में के दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और उसमें खासकर जो है ना बिजली और जो गैस के रेट हैं वो सबसे ज्यादा मैटर कर रहे हैं दुनिया में, सबसे शायद वो पहले नंबर पे इंडस्ट्रियल रेट टैरिफ जो है आपका, तो आपको कम्पीट कर ही नहीं सकते आप ना इंडिया से, ना बांग्लादेश से, ना चाइना से, ना श्रीलंका, चाइना से तो खैर मुमकिन ही नहीं है और बाकी मुल्कों से भी। अभी तो आप देखें ना हमारी कंपटीशन में अफगानिस्तान भी आ रहा है, तो आप कहाँ कम्पीट करेंगे? आपके आसपास के मुल्कों के रेट डिफरेंट हैं, पहले तो बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका और ये छोटे छोटे मुल्क हमें
कंपीट कर रहे थे, अब बांग्लादेश अफगानिस्तान ने भी हमें कंपीट करना शुरू कर दिया, तो है मुश्किल है, आपको रैशनलाइज करनी पड़ेंगी चीजें, रियलाइज करना पड़ेगा इन चीजों को। और इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है ना हुसैन, मैं आपको बताऊं, वो इंटरेस्ट रेट है। इस वक्त जो इकॉनमी का और दो फैक्टर जो सबसे बुरी तरह मुतासर हुए हैं ना, आपकी ग्रोथ और आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो आपका इंटरेस्ट रेट है। आपका सिर्फ इंटरेस्ट रेट इन्होंने IMF प्रोग्राम और बाकी उसकी वजह से मेंटेन करने की वजह से और बैंकों को बेनिफिट देने की वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट है वो 3,000 अरब रुपए से बढ़ के 8,500 बल्कि 9,000 अरब तक पहुंच जाएगी। तो वो जो आया है ना 5,000 से 5,500-6,000 अरब रुपए का एक गैप आया है, वो सारा आपकी इकॉनमी पे और आपकी जो पब्लिक है उस पे डाल दिया गया। वो सनोला औरंगजेब साहब ने, आज मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये हम अब आस्था नीचे लाएंगे, वो तो स्टेट बैंक करता है, ये तो करते भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब नीचे आएगा 22% से कितना नीचे लाते हैं उसको क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे आएगा। देखिए मोहसिन भाई, इस दफा आना चाहिए था लेकिन नहीं है लाए गए, क्योंकि खुद बैंकर हैं आप। देखें इस वक्त सिर्फ अगर कोई कमा रहा है इस मुल्क में जिनका बिजनेस चल रहा है तो वो बैंक हैं। 50-50, 60-60 अरब रुपए बैंकों का प्रॉफिट हुआ है और वो करते क्या, आराम से वो सरकार को 22% पे 24% पे आपको लोन दे रहे हैं वो, और उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, ना आपकी इंडस्ट्री चल रही है, ना आपकी कोई और ग्रोथ के काम हो रहे हैं, ना कोई और कारोबार चल रहे हैं तो जिससे रोजगार मिले, जिससे इन्फ्लेशन पे कोई इम्पेक्ट हो। और एक फैक्टर सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें वो इंटरेस्ट रेट है। तो इसमें सनोला आखिरी सवाल आपसे, तो 9,400 अरब का टारगेट कैसे अचीव करेंगे लोग इस ऐसी सूरत हाल में? देखें आप बड़ा आसानी से हासिल कर लेंगे, ग्रोथ आ रही है ना। आप देखें, आप जब इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों के टैरिफ बढ़ाते हैं तो आपका सिर्फ टैरिफ नहीं बढ़ता, आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती है, आपका GST रिकवरी भी बढ़ती है, आपकी इनकम टैक्स भी बढ़ती है, बाकी भी आप देख लें। 18% आपने GST किया था, आपका जो फ्यूल की जो प्राइस बढ़ी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, उन पर देख लें, ये तो बड़ा इजी टैक्सेशन इनको हासिल हो रही है। यूटिलिटी से, फ्यूल से और खाने पीने की जो अशिया पे, बाकी चीजों पे, तो मुझे लग रहा है कि जो ये रेट रिकवरी है ये हो जाएगी, रेवेन्यू पर टारगेट पूरा हो जाएगा आराम से। ठीक सनोला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। सीनियर जर्नलिस्ट सनोला साहब चवंदा, दुखियो वक्त आए, नेक्स्ट 3 ईयर्स इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, छाकाणि त महांगाई ऐं टैक्सिस ये सभु पवंदा, पेट्रोल ते अञा ॿुधो पिया त कुझु PDL वधीक कनि पिया, पेट्रोल जा मार्जिन्स वधाइनि पिया, GST लॻण जो इम्कान पंहिंजे हिते मौजूदु आहे। इहो नओं जेको IMF प्रोग्राम आहे इहो को ख़ुशियूं खणी कोन पियो अचे, ओवरऑल इकॉनॉमी खे वॾो जेको पाकिस्तान जो क्लास आहे उन्हनि खे त फ़ाइदो थींदो, पर ग़रीब माण्हू ऐं ख़ासि तौर ते मिडिल क्लास जेको आहे उनखे वॾो छियो रसंदो ऐं वॾो वज़न अची वेंदो, वॾो भार अची वेंदो, ॾुखियो थींदो, तमामु घणियूं ॾुखियूं नज़र अचनि पियूं असांखे। वॾो ब्रेक खां पोइ वरी हिकिड़ी ॿी ॾुखियाई ॾे हलंदासीं, उहा ॾुखियाई आहे उत्तर में अमन अमान जी सूरत हाल जेका कहिड़े तौर ते बि ठीकु न आहे ऐं वधीक बदतरी ॾांहुं वञे पई। असां गॾु रहिजो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कश्मोर कंदकोट ज़िले में जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे उन ते, असां ॿियनि ज़िलनि ते बि ॻाल्हायूं पिया, पर उते छा सूरत हाल आहे, छा उते जेका बहितरी आई आहे, पुलिस छा पई करे, फोटू वोटू त बहितरीन असां ॾिसूं पिया असांजे पुलिस जे ऑफिसर्स जा, वीडियोज़ ऐं फुटेज बि हलनि पियूं, चवनि था तमामु ज़बरदस्त फोटू अचनि पिया ऐं फुटेज बि उन्हनि जी बहितरीन अचे पई। अमन अमान जी छा सूरत हाल आहे पुछूं था। भंगवार साहिबु, फोटू वग़ैरह तव्हां ॾिसंदा हूंदा, फोटू वग़ैरह तव्हांजे ज़िले में पुलिस जा ज़बरदस्त हलनि था, भला फोटोनि खां सवाइ का आहे कारकर्दगी? मोहसिन साहब, पंहिंजे कश्मीर कंदकोट में जेकॾहिं गुज़र 3 सालनि में अमन अमान जी सूरत हाल ॾिसंदा, गुज़र 3 सालनि खां वठी करे अमन अमान जी सूरत हाल इंतिहा ई ख़राबु आहे। ऐं जेकॾहिं हींअर रिसेंटली जेकॾहिं 10-12 ॾींहनि जी ॻाल्हि कंदासीं त जेको ऑपरेशन शुरू थियो आहे, ख़ासि करे जेको उस्ताद अलाह रखियो निंदवाणी हुयो उहो शहीद थी वियो, उनखां पोइ हिकिड़ो पुलिस अहलकार शहीद थी वियो, उनखां पोइ जेको अमन अमान जो सूरत हाल आहे कुझु जेको आहे उनमें बहितरी त आहे, जेका पुलिस जी कारकर्दगी आहे उहे बाक़ाइदगी जेको आहे नज़र में अचे थो। ऐं वरी बि ॿियो ॻाल्हि कंदा, जेको ज़िले कश्मीर कनि पिया जेके रोड रस्ता आहिनि त उन्हनि खे शाम जो 6-7 बजे खां पोइ कानवाई में पुलिस ऐं रेंजर्स खां सवाइ का बि हिकु गाॾी जेको आहे अकेली न वेंदी, जेकॾहिं वेंदी त उहा अॻवा थी वेंदी या जेको आहे उहो खणजी वेंदा माण्हू या पुरजी वेंदा।
मानू कतल मानू अगवा थियन पा कानवाई अजा हलन पे बेहतरी कि आई है ये असि गाल समझ नहीं अचे पुलिस बेहतरी तो माना मानन में खौफ तासुर वेठल है तहे जिले कश्मीर कंदकोट के मानन में चाहे वो खौफ खत्म थी अजा मोहसिन साहब खौफ तो खत्म न थो है खौफ जैसी तीन फौजी ऑपरेशन असाजे जिले में कश्मीर कंदकोट शिकारपुर सखर घोटी इन चैन जिले में जैसी तीन एक मुनजम तरीके से फौजी ऑपरेशन तैसी तीन मानों जो खौफ एतमाद जो वो पुलिस के मत न रही तो जो वक्ती तौर से हर वक्त जो भी नव एस एस पी है वो कोशिश कह पांजे पीरियड में वो अमन अमन सुत्याल से कंट्रोल करे गुजरियल तीन साल में सिंध हुकूमत पारा यारह एस एस पी जिले कश्मीर में चेंज की वह तो उनमें का भी बेहतरी जो ना आई है हिंसर जो ऑपरेशन जो सूत्रहाल जो हले तो यही कि हले तो पक्के वाले इलाके में जाते रोड रस्ता वो क्लियर है उतने ऑपरेशन तो बाकी जो कच्चे वो इलाको है जाते मानू अगवा थी खड़ी वन तो उन इलाक में का भी ऑपरेशन नी अचे क्लेम कर ऑपरेशन जारी है कच्चे में जारी है कच्चे में लथ ही को पुलिस कानून लागू कड़ इदारा अजा कच्चे में लथा ही ना बिल्कुल मोहसिन साहब जो कच्चे वो इलाको है उनमें का भी ऑपरेशन अस नजर नी अचे घोटी सखत जो कंदकोट जो ब्रिज वो कम है उ भी रेंजर की निगरानी में तो जो हले तो वह रुगो उन इलाके में रेंजर्स बीठो गाड़ियों अचन था वन बाकी ओवरऑल जो भी मू इन इलाक में ना वही सकन रात के टाइम मू सफर करा भी गुरेज करन था जो मू सफर करा तो कानवाई में करन था कच्चे वे इलाके में को भी जो ऑपरेशन को इलाके में हिंसर तो भंगवार साहब तो यो कच्चे में ऑपरेशन न थे जो के सबब नजर अचे तो छो न तो थे ऑपरेशन सही इनमें सबब आन एक तो पुलिस के है वो वेपन आन वो पुराने जमाने जा एस एम जी जी थ्री जो वेपन है धारेल वो वेपन आन उ मिल्टी कैटागरी जहा वेपन उनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर पुलिस ऑपरेशन करण के लिए कच्चे वाले तरफ वे तो उत पुलिस जा जवान शहीद थन था धारेल नुकसान न तो थे उनके पुलिस वापस थे थी एक या तो पुलिस के अपग्रेड करे उनके मिलिट्री कैटागरी के हथियार ना वन या वरी जो वो फौजी ऑपरेशन थे तो वो कामयाबी तो अदरवाइज पुलिस में खा यह गाल चढ़ल है अच्छा बी भगवान साहब बी अहम गाल पे प्रोग्राम में कल वो गाल कई मुझे ऑब्जर्वेशन हुई वो यह है तो ये मानो आराम से फोन भी यूज कन था इंटरनेट भी यूज कन था वीडियो भी सोशल मीडिया से रखन था तो इन आइडेंटिफिकेशन थी सके थी तो किथा फोन अचे पी किथे इंटरनेट हले तो किथे फुटेज कें अकाउंट से वन थी तो ये शूं इन छो पुलिस कम नी करें बिल्कुल फोन इस्तेमाल करन था उतरे फोन भी हलन था कच्चे के अंदर अस शूं अंदर एक घोटी कंदकोट जो विच वो कच्चे वो इलाको है उतने ब दरिया दरिया घोटी वे पास है दरिया कंदकोट वे पास है विच में एक बेट आ उन बेट में जो उ धाड़ेल रहन था छोजो पुलिस आसानी से बेट क्रॉस नी करे उन अड़ा बेड़ा ना जो एपीसी चैन क्रॉस कर अंदर वन जी एपीसी चैन अगते वन था भी तभी माना धाड़ेल उनके आसानी से टारगेट कर उनके नुकसान पहुंचा सकन था उनके दीदा दिलेरी से ये मानू के उतने घुराइन था वही गाल से मानू अगवा कर वन था हिं ते भत्न जो सिस्टम भी शुरू थी वो जे खास कर इतों जहाँ शरीफ शहरी हैं उनके कॉल जरिए भत्ता वसूल कर बाखबर जरिए मां ये मालूम थो है तो सिर्फ इन साल दौरान ब करोड़ का जो भत्तो वो धारेल से वही पोतो है इतों जहाँ जे शहरी उेशान अगे अगवा थी हुआ हाँ धारेल उतो फोन कर चन था एतरा पैसा मोकिल ना जहाँ मानू कह उतो जहाँ शरीफ मानू या कारोबार मानू मजबूर थी करे जो तो भत्ता देने से मजबूर थी चुका है हिंसर माना भत्ताबाजी भी हाँ शुरू थी चुकी है इन जो इतला पुलिस के आए थे भत्तेबाजी शुरू थी है साई बिल्कुल पुलिस के भी इनके इतलाव है इतने चूंडी नुमाइंदन के भी पे है इतने कानून लागू कद इदारन के भी इनके जी जो गाल पुतल है उ मानू जो उनके इतलाव भी देन था पर उ बेवस आन तो उन धारेल ती उन वस नो हले उत पोची ना सकन उनके सिस्टम हाँ हिंसर जो आम जाम शुरू थी कंदकोट कश्मीर इलाक में पुलिस जो मौकफ था एस पी साहब जो डी आई जी साहब जो कें चूंडी नुमाइंदों के मौकफ था वरतो है सही सर एस एस पी साहब से ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल डेली उन रबे में आयो उन भी इो ही चवण है जे पके वे इलाका उन्होंने तो आसानी से ऑपरेशन करो टंगवानी वो इलाको कच्चे वो हो जो उस्ताद दलार शहीद थो
उहे पके वारो इलाइक़ो हुयो, उते बदामनी हुयो ऐं रोज़ माण्हू जेको फुरजनि पिया, उते जेकॾहिं पुलिस ऐं रेंजर जो गॾियल ऑपरेशन हले थो, उन में जेको आहे अमन अमान जो सूरतहाल बिल्कुलु हाणे हिन वक़्तु वक़्ती तौर ते कंट्रोल ते अची चुको आहे, छो जो अॻे रोज़ाने जे बुनियाद ते ॿ टे चार पंज वारदातूं थियनि पिया, उहे हाणे रुकिजी वियो आहिनि। हाणे पुलिस जो बि इहा ई चवणु आहे त जेसीं ताईं असांखे अपग्रेड असांखे न कयो वेंदो, असांखे हथियार न ॾिना वेंदा, तेसीं ताईं जेको आहे असां G3 ऐं वेपन जे एसएम जे ज़रिए केतिरो धाड़नि सां मुक़ाबिलो करे सघंदासीं। ठीक साईं, पीरबख्श भंगवार साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। नाज़रीन, असां पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे हीअ नई जेको एंगल आहे उत्तर में अमन अमान जी ख़राबी जो, त हाणे भतेबाज़ी शुरू थी वई आहे, हाणे अगवा ऐं क़तल ऐं फुरूं जेके धाड़ा जेके आहिनि इहो हाणे पहिरीं आम ॻाल्हि थी वई आहे, पर हाणे एॾे जेके जेके बि ग्रुप्स आहिनि, आउटलॉज आहिनि, इन्हनि शरीफ़ माण्हुनि खे, कारोबारी माण्हुनि खे पर्चियूं ऐं फ़ोन मोकिलणु शुरू करे छॾिया आहिनि त असांखे भता ॾियो, ऐं भता इहे ॾिना वञनि पिया। ऐं जी ख़बर बि बदकिस्मती ॻाल्हि इहा आहे त कानून लाॻू कंदड़ दरनि खे, चूंडियल नुमाइंदनि खे इन सॼे मामले जी ख़बर बि आहे, पर तव्हांजो सुबुह कीअं ख़ामोशी इख़्तियार कई वई आहे। हीअ सूरत हाल रुगो हिकिड़े ज़िले जी आहे जेको तव्हांखे असां ॿुधाईसीं, ॾिसूं ॿियनि ज़िलनि में कोन थी आहे, पर जेका सूरत हाल आहे त इहो इतलाउ ज़ारा टीवी ज़रिए हाणे सभिनी ॿियनि धड़ेलनि खे मिलंदो, त उनखे बि इनकरेजमेंट मिलंदी त असां हीउ धंधो बि शुरू कयूं, छाकाणि त पुलिस खे त कुझु करिणो कोन्हे। सो ऐं सॼो जेका मशीनरी आहे, हुकूमती मशीनरी तकरीबन हाणे त बेवस लॻे थी। त वठूं था नज़र अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई ब्रेक असां वठी छॾियासीं, की अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाई गॾु।